हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल गिरी इलेक्ट्रिकल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये जो 16 स्लॉट का स्टार्टर है वो ओल्ड मॉडल का टेबल फैन का है। इसमें 16 कोर है, तो इसमें इसका जो स्टैम्पिंग साइज है ये 1 इंच के थोड़ा कम है, 300 कम है। ठीक है, इसको मैं इस तरह से रिबाइंड करूँगा। देख लीजिए, मैंने इसमें अभी जो लच्छी कैल बनाया, 1 से 4 में 2 राउंड घुमाऊँगा, माने दो दो राउंड दूंगा। ठीक है, इसीलिए मैं 300 रन किया है रनिंग में। SWG है 34। ठीक है, देख सकते हो। अभी मैं इसको 1 राउंड घुमाऊँगा, देख लीजिए। जो आप राइट साइड में घुमाना चाहते हो, राइट साइड में सब ई कॉल को घुमाना होगा, और लेफ्ट साइड में घुमाओगे तो सब ई कॉल को, स्टार्टिंग एंड रनिंग को, सभी लेफ्ट साइड में घुमाना होगा। उसके बाद 1 से 4 में ही डबल कर देना है। ठीक है, देख सकते हो, अभी मैं डबल कर रही हूँ। तो इसको डबल करूँगा तो उसका टर्न हो जाएगा 600 टर्न। मैं इसको 300 दिया हूँ और उसको डबल कर दिया मैंने, 3 600 हो गया। देखिए, मैं इसको स्लॉट में घुसा दिया। उसके बाद ये जो पेपर है, स्लॉट पेपर, मैंने थोड़ा काट दूँगा कैंची की मदद से। मैं काट रही हूँ। काटने के बाद उसको थोड़ा मोड़ के उसको किसी चिमटी की और कोई नोज प्लास की जो होता है, मैं देखो इस तरह प्लास यूज कर रही हूँ। देख देख सकते हो, देखिए मैं अभी इस तरह से मोड़ के उसको स्लॉट के अंदर घुसा दूंगा। ठीक है, घुसा रही हूँ, देख सकते हो। और देखो, एक साइड में घुसा दिया तो बहुत अच्छे से हो गई। तो नेक्स्ट जो है, अभी मैं उसका से इस तरह से 1 से 4 में जो एक है उसको भी काट कर मैं अंदर घुसा दूंगा। देखिए, मैं से दोनों ही घुसा दिया। इस तरह से आपको SWG जो है वो 34 लेना है, मतलब 34 नंबर लेना है। उसको मैं लच्छी कैल बनाया है, उसको मैं डबल करने के बाद ही बाइंडिंग करना चाहते हो, इसीलिए उसको मैंने 300 टर्न दिया। उसको डबल किया 1 ही स्लॉट में 1 से 4 में, तो वो 600 हो गया। मल्टीप्लाई करके तो 600 हो गया, तो इसीलिए। और इस कॉइल को जब मोड़ मोड़ के मैं 1 ही स्लॉट में डालना चाहते हो, तो उसको राइट साइड आप घुमाओगे तो राइट साइड सभी कॉइल को, स्टार्टिंग एंड रनिंग को, दोनों ही एक ही तरफ घुमाना है। ठीक है, मैं लेफ्ट की तरफ घुमाता हूँ तो लेफ्ट की तरफ घुमा के उसको बिठा दिया। अभी सेकंड जो है, मैं कॉइल बिठाने जा रहा हूँ रनिंग का, अभी देख सकते हो। तो जल्द फटाफट से मैं उस रनिंग कॉइल को बिठाने के बाद आती हूँ। देखिए, अभी ये चारों कॉइल मैं बिठा दिया, और ये जो है 1440 RPM का है, ओल्ड मॉडल का फैन है, टेबल फैन। तो इसमें टोटल 6 से 6 टर्न करके 600 600 करके चारों कॉइल में दिया हूँ। ठीक है, 18 SWG जो है 34 है, तो इसको मैं अभी धागे से बांध लूँगा। सॉरी, धागे से नहीं, कॉटन टेप से बांध लूँगा। आप लोग देख सकती है, मैं फटाफट से मैं इसको बांधना स्टार्ट करता हूँ। तो वीडियो की टाइम, कीमती समय कम करने के लिए मैं इसको थोड़ा स्किप कर दूंगा। ठीक है, फुल कंप्लीट टेप जब बांधने के बाद मैं वो जो भी आती हूँ। आप लोग मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो आप लोग गिरी इलेक्ट्रिक को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और मेरा जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखना, नए नए वीडियो आपके पास आते रहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो नहीं, मैं इसके कॉटन टेप बांधने के बाद मैं स्टार्टिंग कॉइल का बात करूंगा। अभी जो फिलहाल है तो इसको मैं कॉटन टेप बोलता हूँ। तो इस कॉटन टेप से मैं इसको थोड़ा कॉइल को
एवरेज कर दूंगा। देख सकते हो मैं अभी इस कॉटन टेप की मदद से मैं अभी ये जो है मैं उसको बांध रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। उसको बांधने के बाद मैं स्टार्टिंग कर्ल बिठाऊंगा, और स्टार्टिंग कर्ल मैं पहले से रेडी करके रखा हूँ, ठीक है। उसमें भी क्या ट्रान है, कौन सा वायर गेज है, वो सब कुछ बताऊंगा। तो थोड़ा टाइम आप लोग देख सकते हो मैं कंप्लीट कर दिया, कर्टन टेप से बांध लिया कितने अच्छे से। ये जो है ये स्टार्टिंग कॉइल है, इसका जो गोलाई में लेंथ किया हूँ आधा इंच कम कर दिया, 11 इंच कर दिया। वो स्टार्टिंग का है 11.5 इंच था, तो मैं इसको बिठाने जा रही हूँ स्टार्टिंग कॉइल। इसमें भी जो SWG है 34 यूज किया हूँ, तो इसका जो ट्रान है 290 टर्न किया हूँ, क्योंकि थोड़ा 20 टर्न स्टार्टिंग से रनिंग से कम करना है, इसीलिए मैं रनिंग से 20 टर्न कम करने के लिए मैं 290 टर्न किया हूँ। उसको डबल कर दूंगा तो 580 टर्न होगा, 580 टर्न होगा, और SWG है 34 ही रहेगा, मैंने मतलब 34 नंबर रहेगा। आप लोग देख सकते हो स्टार्टिंग कॉल मैं बिठा रहा हूँ अभी, देखो कैसे बिठा रहा हूँ। सेम उसी तरह से ही बिठाऊंगा जो रनिंग कॉल मैं बिठाया था, सेम ही उसी तरह। रनिंग कॉल मैं लेफ्ट साइड घुमाया था, तो स्टार्टिंग कॉल भी मैं लेफ्ट से घुमाने के बाद ही सेम ही स्लॉट में, मतलब 1 से 4 स्लॉट में मैं डालूंगा। वो डबल हो जाएगा, डबल के बाद मतलब वो 580 100 मैंने 580 टर्न हो जाएगा। SWG है 34 है। आप लोग भी इस डेटा से बाइंडिंग कीजिए, बहुत अच्छी स्पीड आएगी, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आएगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल है गिरी इलेक्ट्रिकल, लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का प्रेस करके रखना। ये जो स्टार्टर है इसको बाइंडिंग करने के लिए ये कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि ये खूब कोर, इसका कोर का जो डेप्थ है वो बहुत बड़ा होता है, इसमें 1000 टर्न भी चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इजीली जाता है। 600 800 900 टन भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। देखिए अभी मैं इसका स्टार्टिंग कॉइल बिठाने के बाद उसको थोड़ा काट कर मैं स्लॉट के अंदर घुसा दिया हूँ, ठीक है। सेम जो स्टार्टिंग कॉइल जिस तरह मैं बिठाया था सेम उसी तरह ही, सॉरी जो रनिंग कॉइल बिठाया था उसका जो प्रोसीजर था उस तरह ही मैं स्टार्टिंग कॉइल भी इसमें बिठाऊंगा। देखिए अभी मैं बैठा रहा हूँ स्टार्टिंग कॉइल, और इसका जो SWG है वो 34 है, इसका ट्रान है 580, मतलब मैं सिंगल कॉइल बनाया था 11 इंच का गोलाई में, तो उसको डबल मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका ट्रान हो गया 580 ट्रान, ठीक है। नहीं तो वो 290 ट्रान था, और रनिंग में जो ट्रान दिया था 300 किया था, गोलाई में 11.5 इंच किया था, उसको डबल कर दिया तो 600 टन हो गया। 600 600 करके उसका 4 कॉयल बिठेगा, और 580 जो है 580 करके 4 कॉयल बिठेगा। देखिए ये जो है कंप्लीट कर दिया। इसके बाद मैं इसको धागे से बांधूंगा, बाहर जो कॉयल है वो 34 है, रनिंग कॉयल है, इसमें 600 टन दीजिए, और अंदर में जो है कॉयल जो कॉटन टेप से नहीं बांधा है वो है स्टार्टिंग कॉयल, उसमें आप लोग 580 टन दीजिए। बहुत ही अच्छी स्पीड होगी। इसको 2 गेज से डिफेंस करके बाइंडिंग करूँगा तो उसका स्पीड भी अच्छा होगा। इसको मैं ठीक ठाक करके इसको साइज करके बिठा लिया, तो इसके बाद इसको मैं
लीड वगैरह निकालूंगा। आप लोग देख सकते हो ईओलो और ब्लैक लिया हूँ, तो ईओलो जो है वो रनिंग कॉइल का लीड होगा 2, और स्टार्टिंग का भी 2 लीड होगा, मतलब 4 लीड बाहर आएगा। उसमें जो ब्लैक वायर होगा वो स्टार्टिंग का है, और 2 ईओलो जो है रनिंग का है। आप लोग देख सकते हो मैं इसको तांबे को तांबे से जोड़ता हूँ, स्पार्किंग करके जोड़ता हूँ। तो ये बहुत ही कोई दिक्कत नहीं आता है। लीड का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होता है लीड फॉल्ट बा वो लीड टूट जाता है, तो इस तरह प्रॉब्लम नहीं आता है। तांबे को तांबे से जोड़ने के बाद स्पार्किंग करके मैं जोड़ूंगा, तो अभी तक तो नहीं आया इस तरह। ठीक है, तो देखो मैं कैसे स्पार्किंग करके मैं आए जो है लीड को मैं जोड़ता हूँ तांबे को तांबे से। मतलब ग्रिल दुकान जो होता है, दुकान में जो लोहे के लोहे से जोड़ता है, तो इस तरह ही तांबे को तांबे से जोड़ता हूँ। ये जो है ये प्लास है, ये जो स्पार्किंग हो रही है उसके अंदर बैटरी का कार्बन है, कार्बन से ही वो स्पार्किंग होता है, नहीं तो नहीं होगा, वो चिपक जाता है। तो मैं तातल से मैं इसको वो उसको बाहर में मैं एक जो छोटा वाला बैटरी होता है टॉर्च लाइट का पहले जैसा, तो उस तरह ही मैं इसको स्पार्किंग किया हूँ। देखिए अभी मैं धागे से बांध रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। पहले तो मैं उसको स्पार्किंग करके सोल्डरिंग कर लिया, उसके बाद मैं बांध रही हूँ। जो स्टार्टिंग पहले कॉटन टेप से बांधा है दोनों साइड से, तो वो है रनिंग कॉइल। ठीक है, तो स्टार्ट अंदर वाला जो कॉइल है वो स्टार्टिंग है, बाहर वाला जो है वो रनिंग है। आप लोग दोनों ही 34 नंबर से रिबाइंड कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।